फ्रांसिस्को में निकट टक्कर से पहले उज्ज्वल रोशनी थके हुए पायलटों को परेशान कर दिया। एयर कनाडा विमान ने रनवे से संपर्क किया क्योंकि पुलिस ने कुछ सही नहीं देखा। जांचकर्ताओं से कहा, शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक निर्माण रोशनी इतनी उज्ज्वल थी कि उन्होंने एक थका एयर कनाडा चालक दल के पायलटों को भ्रमित कर दिया था, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जुलाई 2017 में रात में जमीन पर उतरने की कोशिश करते हुए लगभग 4 विमानों पर जमीन पर हमला किया था। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बुधवार को 7 जुलाई की घटनाओं की एक वीडियो रिकॉर्डिंग सहित जांच रिपोर्टों के 500 सेकंड अधिक पृष्ठों को जारी किया, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला कि एयरलाइनर आपदा के चरणों में क्यों आ गया। दोनों पायलटों ने टोरंटो से अपनी उड़ान के बाद के चरणों में थकान महसूस की। वे आधी रात के स्थानीय समय पर लैंडिंग कर रहे थे 3 AM के बराबर, जहां वे रात पहले सो गए थे। कप्तान ने जांचकर्ताओं से कहा कि उन्हें 6 घंटे से भी कम नींद मिल सकती है और उनकी रात पिछली रात देर से उड़ान से बाधित हो गई थी। एयर कनाडा विमान ने रनवे से संपर्क किया क्योंकि पुलिस ने कुछ सही नहीं देखा। जांचकर्ताओं से कहा, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि क्या गलत था और वह जो देख रहा था उसे संसाधित करने में असमर्थ था। कॉपिलॉट ने कप्तान से कहा, जो नियंत्रण में था, लैंडिंग को रद्द करने और उसी समय चढ़ाई करने के लिए कप्तान ने उसी पर फैसला किया। सेकंड बाद में एक वायु यातायात नियंत्रक विमान के लिए लैंडिंग रद्द करने के लिए एक आदेश चलाया। 4 मिनट पहले पहुंचने वाली उड़ान पर पायलट ने जांचकर्ताओं से कहा कि निर्माण रोशनी इतनी उज्ज्वल थी कि हम उस रात लैंडिंग के लिए खुले एकमात्र रनवे के स्थान का निर्धारण नहीं कर सके। बाईं ओर एक आसन समांतर रनवे जहां उन्हें जमीन पर मंजूरी दे दी गई थी निर्माणाधीन और बंद थी। पिछली उड़ान पर दोनों पायलटों ने कहा कि उन्होंने अपने ऑनबोर्ड उपकरणों के साथ जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित रनवे के लिए तैयार हैं। जारी की गई चीजें कम परिभाषा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो एयर कनाडा विमान को जमीन पर विमानों के करीब गुजरती हुई चढ़ाई से पहले 2 विमानों के ऊपर या उसके पास उड़ती है। एयर कनाडा एयरबस A320 के पायलट सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 समानांतर लैंडिंग स्ट्रिप्स के दाहिने ओर उतरने वाले थे। इसके बजाय वे एक टैक्सीवे पर उस रनवे के दाईं ओर छूने के लिए तैयार थे, जहां 4 विमानों को बेदखल करने की अनुमति के लिए इंतजार किया गया था। बाईं ओर दूसरी समानांतर रनवे उस रात निर्माण के लिए बंद कर दिया गया था। यह घटना 2 या 2 से अधिक विमानों के बीच आग लगने के कारण पैरों के भीतर आई थी। वायु कनाडा विमान जमीन से 59 फीट 18 मीटर के रूप में कम था क्योंकि पायलटों ने लैंडिंग को रद्द कर दिया और चढ़ाई शुरू कर दी, जैसा कि पहले रिलीज के अनुसार था। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार बोइंग 787 की पूंछ पहली बार टैक्सीवे पर लाइन में लगभग 56 फीट ऊंची थी। एक राडार साजिश के मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस विमान रनवे में प्रवेश कर चुका था और एयर कनाडा विमान इसके पीछे बस पारित हुआ प्रतीत होता है। एयरबस की वेबसाइट के अनुसार अगली पंक्ति में एक फिलीपीन एयरलाइंस A340-300 था, जो एक पूंछ वाला एक चौड़ा जेट था जो 787 के मुकाबले एक ही ऊंचाई या थोड़ा अधिक था। यूनाइटेड विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक रेडियो प्रसारण में एयर कनाडा विमान के उड़ान मार्ग के बारे में अलार्म उठाने की कोशिश की थी। यह आदमी कहाँ जा रहा है, पायलट ने कहा, वह टैक्सीवे पर है, उसने कुछ सेकंड बाद जोड़ा, क्योंकि एयर कनाडा विमान उसके पीछे बस गया था। दशकों से जमीन पर टकराव के जोखिम की चेतावनी दी गई है। एयरलाइन दुर्घटना में अब तक की सबसे ज्यादा मौत की मौत 1977 में हुई थी, जब 2 बोइंग 747 टेनेरिफ
कैनरी द्वीप समूह में एक रनवे पर टक्कर लगी थी जिसमें 574 लोग मारे गए थे। एक मुद्दा प्राधिकरण की जांच कर रहा है। एक चेतावनी प्रणाली है जो जमीन पर या उसके पास विमानों को ट्रैक करती है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के वायु यातायात नियंत्रक ने कहा कि एयर कनाडा विमान अन्य विमानों से गुजरने से पहले चेतावनी प्रणाली के प्रदर्शन से संक्षेप में गायब हो गया। अधिकांश दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच के विपरीत एयर कनाडा विमान पर कॉकपिट वार्तालापों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। विमान से विमान खींचने से पहले डिवाइस को बाद की उड़ानों के दौरान अधिलेखित किया गया था।